अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष की उत्पत्ति आखिर कब हुई। हमारे दिमाग में ये प्रश्न बार बार घूमता रहता है, ये सबके दिमाग में एक प्रश्न घूमता है कि जो सूर्य है ये लाइट कैसे देता है, आखिर कभी इसकी लाइट बंद हो जाएगी। हम पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, हम कहाँ चले जाते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी यहीं पर रह जाती है, इसका क्या होता है, हमारे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ये ग्रह घूमते कैसे हैं, ये ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, कोई गोरा है कोई काला है, किसी के कुत्ते बिस्कुट खाते हैं किसी के पास चटनी और रोटी नसीब नहीं होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। कोई बहुत खूबसूरत है किसी को खूबसूरती नहीं मिलती, जिसको खूबसूरती मिलती है जिसके पास पैसा नहीं होता, जिस पर खूबसूरती और पैसा होता है उसमें बच्चे नहीं होते। आपको ये लगता रहता है कि ये सारे क्वेश्चंस भगवान ने ऐसे क्यों दिमाग में डाल दिए हैं, मैं बहुत अच्छा हूं मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, आप बहुत अच्छी हैं आपको अच्छा पति नहीं मिला, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिलता नहीं, आखिर क्या रहस्य है, जानना चाहते हैं सभी, सब इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि काश कोई हमें अपना भविष्य बता दे कि हमारी मौत कैसे होगी और हमारा अंजाम क्या होगा। सबके दिमाग में प्रश्न रहता है और आपके दिमाग में भी ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है वो करोड़पति भी ये जानना चाहता है कि आखिर मेरा होगा क्या, क्या ये मेरा करोड़ों मेरे साथ चला जाएगा क्या, सब जानना चाहते हैं। आप ये भी जानना चाहते हैं कि प्रलय और महाप्रलय कब होगी,